तो फाइनली हम लोग चौरास्ता पहुंच गए हैं और हम लोग का राइड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इतने गुड राइड है ना, काफ़ी आवाज़ आ रहा है, सही में सुनाई नहीं दे रहा होगा, एकदम क्लियर आवाज़ नहीं हम लोग आ रहा होगा। वी एंजॉयड अ लॉट, इट वॉज अ सेफ राइड एंड अ हैप्पी राइड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट राइड में आप लोगों के साथ, बाय। तो अभी हम लोग अपर डैम से स्टार्ट कर दिए हैं। इसके आगे का रास्ता मुझे भी नहीं पता है, ऋषभ को भी नहीं पता है, तो गूगल मैप भी यहाँ पर ठीक से काम नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं आगे, जरूर कुछ लैंडमार्क होगा, नहीं तो फिर किसी से पूछ लेंगे। अभी हम लोग को जाना है पुरुलिया। ये हेल्प डेस्क है, यहाँ कोई है भी नहीं, टूरिस्ट हेल्प डेस्क बना कर रखा हुआ है लेकिन हेल्प करने के लिए कोई है नहीं। अभी हम लोग फिर ये जंगल वाला रास्ता में आ गए हैं। दोनों साइड में डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है दोनों साइड में। ये साल का जंगल है, दोनों साइड में साल का पेड़ भरा हुआ है। ये रास्ता चला जा रहा है बामनी फॉल। अब अगर ये रास्ता से जाते हैं तो बामनी फॉल्स मिलेगा आपको। अब हम लोगों को किधर जाना है, पक्का? हाँ श्योर। अब मेरा पेट्रोल भी मिलना है, लेकिन मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं पेट्रोल मिलता है कि नहीं। बड़ा पुरुलिया एदिके जाबो सोजा ओदिके तो पाँच बार करे। थैंक यू। ये पूरा अयोध्या पहाड़ वाला रास्ता है, हम लोग अयोध्या पहाड़ क्रॉस करने वाले हैं। एक्चुअली ये पूरा अयोध्या रेंज है, हम लोग जो अपर डैम देखने गए थे वो भी अयोध्या रेंज के अंदर में ही आता है। काफी बड़ा माउंटेन रेंज है अयोध्या रेंज, और ये जो अयोध्या रेंज है ये दलमा रेंज का साथ जुड़ा हुआ है। एंड ये पूरा जंगल एलिफेंट के लिए फेमस है। अभी हम लोग दोनों साइड में घना जंगल है और बीच में से रास्ता जा रहा है, और ये रोड में हम लोग को संभल के गाड़ी चलाना है धीरे धीरे, क्योंकि ये सब रोड से वाइल्ड एनिमल कभी कभी क्रॉस करता है रोड का, इस पार से उस पार जाता है। ऐसे तो दिन का टाइम में वो लोग कम निकलता है, दिन का टाइम में उन लोग को निकलने का चांस काफी कम है। ये जंगल के बीच में एक छोटा सा आदिवासी लोग का गांव है। ये सामने वो जो लंबा वाला पहाड़ नजर आ रहा है वो है जयचंडी पहाड़। जयचंडी पहाड़ ट्रेकिंग के लिए काफी फेमस है। एक्चुअली वो काफी स्टीप पहाड़ है और ट्रेकिंग करना काफी मुश्किल है वो पहाड़ में। तो जितना माउंटेनिंग क्लब्स है
वो वही पहाड़ में ट्रैकिंग प्रैक्टिस करवाता है, ताकि एक जो स्टूडेंट रहता है उन लोगों का ट्रैकिंग का, वो अच्छी तरीके से ट्रैकिंग सीख सके। क्योंकि जितना स्टीप पहाड़ में उन लोग ट्रैकिंग सीखेगा, उतना उन लोग एक्सपर्ट हो जाता है ट्रैकिंग में। ये देखिए सामने नजर आ रहा है लंबा वाला, जो एक सिंगल पहाड़ के ये लंबा वाला पहाड़ है, ये है जो चंडी पहाड़। पुरुलिया दिखे कल रात को तो सांप का चक्कर में सोते सोते लगभग 2-2.5 बज गया, और आज हम लोग सुबह 6 बजे उठ के 7:30 बजे तक निकल जाने का बात था। हम लोग को नींद ही नहीं टूटा, 9:30 बजे नींद से उठे, उठ के नहा धो के ब्रेकफास्ट करके निकलते निकलते 11:30 बज गया। उसके बाद थोड़ा प्रतिनिधा लोग से भी भेंट कर लिए, काफी लेट हो गया। अब कलकत्ता पहुंचते पहुंचते तो बहुत रात हो जाएगा, अभी 3:30 टाइम हो गया है। मेरे को तो नहीं लगता कि 12-1 बजे का पहले कलकत्ता पहुंच सकेंगे। अभी हम लोग सीधे जाने वाले हैं मान बाजार। मान बाजार से हम लोग क्रॉस करके, मान बाजार से भी बांकुड़ा पुरुलिया का एकदम बॉर्डर है, मान बाजार पुरुलिया में पड़ता है। सुबह से इंदपुर होते हम लोग, इंदपुर बांकुड़ा में है, मान बाजार से हम लोग क्रॉस करने से इंदपुर आ जाएगा, इंदपुर होते हम लोग बांकुड़ा में एंट्री हो जाएगा। चार बज रहा है, 4:20 टाइम हो गया, काफी रात हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। देखिए ये सामने का रास्ता वाला व्यू कितना सुंदर लग रहा है। रास्ता पहले से नीचे उतर गया, फिर ऊपर उठ गया। आई जस्ट लव दिस टाइप ऑफ रोड, वाव। दिस इज वाई आई से ब्यूटिफुल बंगाल। अगर कहीं छोटा एक ढाबा देख के खाना खा लेना है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके हम लोग बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। अभी बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं हम लोग। यहाँ से बांकुड़ा लगभग, मतलब बांकुड़ा टाउन जो है वो लगभग कितना किलोमीटर देख लेते हैं, कोई माइलस्टोन में जरूर दिया होगा। दो मिनट के लिए हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लिए थे, 180 किलोमीटर लगभग राइड किया हम लोग। अभी आगे एक ढाबा देख के रुकने वाले हैं, आगे तो कोई ढाबा मिला नहीं, तो यहाँ पर एक हीरो का सर्विस सेंटर मिल गया, तो उसका सामने थोड़ा रुक के हम लोग 2 मिनट का एक ब्रेक ले लिए। तो आगे चलिए, आगे चल के एक ढाबा में खड़ा होंगे ढाबा में कुछ खा लेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी तक लंच नहीं किया, तक काफी टायर्ड वाला, काफी लंबा राइड हो जा रहा है हम लोग का, लेकिन अच्छा एडवेंचर अच्छा हो रहा। तो चलिए आगे ढाबे में मिलते हैं। लेकिन एक बात बोलना पड़ेगा कि लकी भी थ्रूआउट पे जर्नी अभी तक बारिश नहीं मिला हम लोग को, बारिश मिलता तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है।
हाँ गर्मी काफी था लेकिन बारिश में ज्यादा दिक्कत हो जाता थी। ऐसे हम लोग के पास रेनकोट वगैरह सब है, उसमें कोई चिंता वाला बात है नहीं। अगर बारिश होता तो फिर हम लोग रुकते नहीं, लेकिन फिर भी बारिश में मोटरसाइकिल चलाना थोड़ा दिक्कत होता है। और इधर पहाड़ वाला रास्ता में अगर बारिश होता तो काफी दिक्कत हो जाता है। ये सब जगह भी एक टाइम में माओवादी था, इन पुल वगैरह में बांकुड़ा पुरुलिया पूरा माओवादी का जगह था। ये आगे हम लोग एक जंगल मिलेगा, वो जंगल तो एकदम मतलब चारों तरफ दोनों तरफ में रात को पहरा रहता था। देखते हैं ये भाई क्या कहना चाहता है। পুরুলিয়া গেছিলাম কলকাতা, কলকাতায় বাড়ি আমাদের। এরকম ছোট ছোট রাইড করি আমরা, বাবা। হ্যাঁ আমি দুবার লাদাখ গেছি, লাদাখ গেছি। হ্যাঁ একটা ফটো তুলে নিন, পরে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আপনার নাম দাদা? মৃন্ময়। তো ভিডিও হচ্ছে, ভিডিওটা দিলে কোনো অসুবিধা নেই তো? তো ইয়ে দাদা কাজ নাম হয় মৃন্ময়, আমি রোড মে ভেট হো গিয়া মৃন্ময় দা সে। তো ইয়ে ভি রাইড করতে হ্যাঁ, ইনকা এক হন্ডা বাইক হ্যাঁ, তো ইয়ে ভি রাইড করতে হ্যাঁ। পুরুলিয়া কোথায়? ও আচ্ছা আচ্ছা, রঘুনাথপুর গেছিলাম তো, রঘুনাথপুর হয়ে গেলাম আমরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা গেছিলাম খয়রাবেলা, খয়রাবেলা থেকে তারপরে অযোধ্যা পাহাড়, এইগুলো করে এখন ব্যাক করছি। হ্যাঁ এখন তো লকডাউনের জন্য বড় রাইড করতে পারছি না। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, একদম একদম। আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, আমাদের একটা গ্রুপ আছে 100 মাইলস বলে। হ্যাঁ তো আমাদের গ্রুপে অ্যাড হয়ে যান, বড় বড় রাইড করবো আমরা একসাথে। ঠিক আছে, ওকে টাটা, নাইস মিটিং ইউ। তো আমি অচানক রাস্তে নিয়ে মৃন্ময় দাসে ভেট হয়ে গিয়া, আর ও মেরে কো রোক কে পিছনে লাগে। অ্যাকচুয়ালি হি ইজ অলসো আ রাইডার, তো এই এটা অ্যাকচুয়ালি এক রাইডার দুসরা রাইডার সে আগে ভেট হয়ে যাতা না, তো রাইডার লোক মে এক বন্ডিং হতা হয়। तो ऑलमोस्ट पूरा दिन राइड करने के बाद एट लास्ट 7 बजे हम लोग लंच किए, थोड़ा रोटी तड़का खा लिया ढाबा में। अभी और 6 घंटा लगेगा हम लोग को कोलकाता पहुंचने में, अभी हम लोग बांकुड़ा में हैं। और अभी एक दादा था हम लोग का भेंट हो गया है, दादा बांकुड़ा के रहने वाले हैं, ये स्टेट बैंक में नौकरी करते हैं। दादा आपका नाम थोड़ा बता दीजिए। दादा का नाम है अमित कुंडू। तभी दादा से बैठ के हम लोग थोड़ा बातचीत कर रहे हैं और खाना पीना कर ले रहे हैं, उसके बाद 5-7 मिनट के अंदर यहाँ से स्टार्ट करें। तो अभी हम लोग बांकुड़ा से हम लोग दुर्गापुर घुसने वाले हैं। सामने है दुर्गापुर बैरेज, दुर्गापुर बैरेज एक बड़ा एक डैम है। ये आगे हम लोग दुर्गापुर बैरेज, दुर्गापुर बैरेज क्रॉस कर रहे हैं। ये पूरा दुर्गापुर बैरेज है, ये जो देख रहे हैं साइड में ये है वो डैम का सब गेट। अभी अंधेरा में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ये पूरा पानी है। एक्चुअली ये दामोदर नदी है, ये नीचे जो है ये दामोदर नदी, दामोदर नदी में ये डैम बना हुआ है और इस डैम का नाम है दुर्गापुर बैरेज। वो सामने दिखाई दे रहा है दुर्गापुर स्टील प्लांट, वो लाइट जल रहा है, आप लोगों को दूर दिखाई देगा यहाँ से।
कलकत्ता 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 एक्चुअली मेरा बाइक का गेटअप देख के आदमी को समझ में आता है कि ट्रैवलर है। पैनियर साइड पैनियर टॉप बॉक्स ये सब लगा हुआ है, मेरा बाइक नहीं लगा हुआ है, अभिषेक का बाइक नहीं लगा हुआ है और हम लोग पूरा राइडिंग गियर पहने हुए हैं। तो ये सब देख के आदमी थोड़ा हम लोग को देख के लगता है कि कहाँ से ये दोनों एलियन आ गया। तो ऐसे रास्ते में आदमी पूछते रहता है, पहले पहले मेरे को अकवा लगता था, तभी हेजिटेटेड हो गया क्योंकि काफ़ी आदमी पूछते रहता है। अभी तो पुरुलिया से आते आते कम से कम 5-6 जन आदमी हम लोग पूछ चुका है कि आप लोग कहाँ से है, ये बॉक्स में क्या है। और सबसे सबसे मज़ा वाला चीज़ है, एक आदमी तो बोल रहा है कि अभिषेक का पैनियर साइड पैनियर देख के मेरे को पूछ रहा है कि वो जो साइड में उनका बाइक में जो बॉक्स है वो क्या CPU है। वो सोचा कि CPU है और कंप्यूटर से चलता है ये बाइक। तो खैर उन लोग को कोई आइडिया नहीं है, उसी लिए पूछा, किसी को छोटा करना नहीं है मेरा इंटेंशन। चारों तरफ पुलिस खाली पैसा खाने के लिए ट्रक रोकता है, क्योंकि सब्सिडी वॉलेंटियर मोटा मोटा। दुर्गापुर से वर्धमान लगभग 1 घंटा लगना चाहिए, 45 मिनट से 1 घंटा। और वर्धमान से कलकत्ता मेरे को 2.5 से 3 घंटा लगना चाहिए, लेकिन पता नहीं रोड में जाम हुआ कि नहीं। वही मैं सोच रहा हूँ कि 17 का दिन अगर जाम मिल गया तो बस हो गया। पहुँच गए छत्तीसगढ़ में, थोड़ा रुक के हम लोग चाय पी ले रहे हैं। ये आदि लंचा पैलेस देख लीजिए, तो और लगभग 2.5 घंटा लगेगा हम लोग घर पहुँचने में। एक अच्छा चीज था कि पूरा रास्ता में हम लोग को बारिश नहीं मिला। आज का तो वेदर फोरकास्ट था, सुबह से बारिश होने वाला है और कलकत्ता में तो बारिश हुआ भी है सुबह से, लेकिन लकीली हम लोग जहाँ जहाँ से क्रॉस किए वहाँ वहाँ बारिश नहीं हुआ। बांकुड़ा में भी बारिश हुआ सुबह, लेकिन हम लोग जब पहुंचे तब एकदम आसमान में बादल नहीं था, बारिश भी नहीं हुआ। लेकिन रास्ते वगैरह देख के लग रहा था कि हाँ कुछ देर पहले बारिश हुआ है। तो फाइनली हम लोग चौरास्ता पहुंच गए हैं और हम लोग का राइड यहाँ पर खत्म हो रहा है। इतने से गुड राइड है ना, काफी आवाज आ रहा है, सही में सुनाई नहीं दे रहा होगा, एकदम क्लियर आवाज नहीं आप लोग आ रहा होगा। वी एंजॉयड अ लॉट, इट वाज अ सेफ राइड एंड अ हैप्पी राइड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट राइड में आप लोगों के साथ। बाय।